नमस्कार, मैं सौरभ भारद्वाज। आज की अपनी स्पेशल स्टोरी ई पॉलिटिक्स है। मैं चर्चा करूंगा उस कृष्ण की जो बीजेपी की फरीदाबाद में धुरी है। चर्चा करूंगा उस पाल की जिसकी चाल अच्छे अच्छे सियासी धुरंधरों को धूल चटा देती है। जी हाँ, मैं चर्चा करूंगा उस कृष्ण पाल की जिसके बारे में मशहूर है कि न खाता न बही, जो कृष्ण पाल कहें वही सही। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामविलास शर्मा ने एक बार कहा था कि कृष्णपाल ऐसे नेता हैं जो कभी पूर्व नहीं होते। दरअसल कृष्णपाल की राजनीति की अपनी अदा है। वह सियासत की हर करवट को ठीक से समझते हैं और कभी चूकते नहीं हैं। सियासी उतार और चढ़ाव को लोगों ने कभी कृष्णपाल के चेहरे पर नहीं देखा। मन के भीतर क्या चल रहा है वह कभी उनके चेहरे पर नहीं झलकता। हरियाणा में पिछले लगभग एक महीने से बीजेपी की 75 पार की हवा बह रही थी। गुरु कृष्णपाल के बागी हो गए चेले विपुल गोयल का पाला बड़ा वजनी दिखने लगा था। लग रहा था कि अपने ऊंचे सियासी संबंधों और व्यवसायिक कमिटमेंट का इस्तेमाल कर इस बार चेला चीनी हो जाएगा। लेकिन बिल्ली वाला दाव केपी ने बचाकर रखा था। जहां जहां विपुल कमजोर थे, केपी प्रहार करने से नहीं चूके। जाट आंदोलन के बाद सुधारक मंडल के नाम पर बागियों की अगुवाई करने वाले विपुल गोयल की रफ्तार इतनी तेज थी कि मनोहर की कुर्सी डोलने लगी थी। लेकिन उस समय में तमाम विरोधी तूफानों के बीच केपी ही थे जो मनोहर की कुर्सी को थामे हुए थे। पार्टी ने सांसदों और मंत्रियों के परिजनों को टिकट न देने का फरमान सुनाया तो बीजेपी का यह सिपाही अविचलित खड़ा रहा। लोगों ने सोचा बेटे देवेंद्र की टिकट नहीं मिली तो केपी की सियासत दम तोड़ देगी। लेकिन एक बार फिर कृष्ण का चक्र चला और चेला चारों खाने चित्त हो गया। वजीर को पीटा भी तो घोड़े की ऐसी ढाई चाल से जो दर्द भी हो और करहा भी ना निकले। जिसकी पैरवी चेले ने की उसको टिकट भी खुद केपी ने दिलाई और चेले को पुनः मुझको भव का श्राप दे डाला। जिले की तमाम विधानसभा सीटों पर केपी की छाया दिख रही है। आज बीजेपी के फरीदाबाद लोकसभा सीट पर हुए टिकट बंटवारे में आम जनता के लिए सबसे ज्यादा चौंकाने वाला फैसला था कैबिनेट मंत्री श्री विपुल गोयल की टिकट का कटना। शाम 5 बजे से हमारे कार्यालय में फोनों का बजना थम नहीं रहा है। लोग बधाई दे रहे हैं कि यह एक निष्क्रिय पर्यावरण मंत्री के खिलाफ चलाई गई हमारी मुहिम का परिणाम है। लेकिन हम राग और द्वेष से हटकर सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि राजनीति व्यवसाय नहीं, सेवा है। जो जनता के लिए दिल से काम करेगा वही जनता के दिल पर राज करेगा। कल कांग्रेस की टिकट की लिस्ट भी आ जाने की संभावना है। अगले 20 दिनों में शहर में खूब घमासान होगा। हमारे साथ बने रहिए अपने इस लोकप्रिय चैनल वॉइस ऑफ फरीदाबाद, वॉइस ऑफ फ्रीडम पर।